4 सितंबर सन 1935 के दिन अचानक जवाहरलाल नेहरू जी को अनमोड़ा के पहाड़ों में स्थित जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को अचानक से रिहा करने का फैसला इसीलिए लिया गया था क्योंकि उनकी पत्नी कमला नेहरू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। कमला नेहरू उस समय जर्मनी के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। तब नेहरू जी आनन फानन में ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए अपनी जर्मनी में स्थित पत्नी के पास जा पहुंचे। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उनके जर्मनी पहुंचने के बाद कमला की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके साथ डॉक्टरों ने भी नेहरू जी को यह भरोसा दिलाया कि वाकई कमला की सेहत में सुधार हो रहा है। जर्मनी में अपनी पत्नी के पास पहुंचने के बाद नेहरू जी कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी के चेहरे पर एक बहादुरी भरी मुस्कान थी। हालांकि वो बेहद कमजोर हो चुकी थी और नेहरू जी कभी कभी उनके पास बैठकर उन्हें किताब पढ़कर भी सुनाया करते थे। नेहरू जी के यूरोप में आने की खबर सुनकर इंग्लैंड के कई दोस्त उन्हें लंदन आने का न्योता भेज रहे थे। अपनी पत्नी की हालत में सुधार होते हुए देखकर नेहरू जी ने कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जाने का न्योता स्वीकार करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद नेहरू जी इंग्लैंड से वापस आ गए। सन 1935 की सर्दियों का मौसम आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। नेहरू जी को जर्मनी का नाजी माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नेहरू जी अपनी पत्नी कमला के साथ जर्मनी के जिस इलाके में रुके हुए थे वहाँ पर नाजी सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता था। कमला की तबीयत में थोड़ा और सुधार होने के बाद नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के साथ अपनी पत्नी समेत स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में आगे का इलाज करवाने का फैसला लिया। स्विट्जरलैंड का ये शहर नेहरू जी के लिए थोड़ा और ज्यादा जाना पहचाना था और इंदिरा के लिए एक स्कूल भी नजदीक ही मौजूद था। स्विट्जरलैंड आने के बाद उन्हें ये खबर हुई कि भारत में उन्हें वापस से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने का फैसला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अप्रैल में भारत जाने की जरूरत थी। नेहरू जी ने अपने पत्नी के डॉक्टर और खुद कमला से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टरों ने कहा कि नेहरू जी भारत जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत अब काफी स्थिर है। कमला जी ने भी नेहरू जी को भारत जाकर भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के लिए कहा, मगर जल्द ही नेहरू जी को ये खबर हुई कि कमला को उनका भारत जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इधर नेहरू जी अपने भारत जाने के लिए फ्लाइट की बुकिंग भी कर चुके थे। तभी कमला के डॉक्टरों ने नेहरू जी से उनकी भारत यात्रा को 10 से 12 दिन के लिए रोक देने के लिए कहा। अब नेहरू जी ने डॉक्टरों से ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि कमला को देखकर नेहरू जी को ये अंदाजा हो गया था कि वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर ना दिख रही हों लेकिन मानसिक रूप से वो काफी कमजोर हो चुकी हैं। कमला जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा तब उन्हें ये खबर हुई कि उनके साथ ही मौजूद अस्पताल में एक लड़की की मौत हो गई है। नेहरू जी ने उस दौरान डॉक्टरों के कहने पर अपनी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी थी। नेहरू जी देख रहे थे कि कमला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 28 फरवरी 1936 के दिन कमला जी ये दुनिया छोड़कर चली गईं। कमला जी की मौत के समय उनके पति नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा और विश्वसनीय दोस्त मौजूद थे। कमला जी का अंतिम संस्कार स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में कर दिया गया और नेहरू जी अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ भारत लौट आए। कमला की मौत के बाद जेल में नेहरू जी के रहने वाले कई दोस्त उनको संतावना देने के लिए लुसाने शहर में आए। इसके अलावा यूरोप के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी उनके पास शोक संदेश भेजे। ऐसा ही एक शोक संदेश इटली के राष्ट्रपति बेनिटो की तरफ से आया। बेनिटो ने पहले भी जवाहरलाल नेहरू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, मगर नेहरू जी का इरादा बेनिटो से मिलने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल नेहरू जी बेनिटो के फास्टिस्ट प्रोपोगेंडा से अच्छी तरह से परिचित थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अपनी भारत यात्रा के लिए नेहरू जी को इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरना था और इसीलिए वो बेनिटो को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। बेनिटो और उनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को खत्म करने की संभावना के लिए नेहरू जी ने खेद व्यक्त करते हुए बेनिटो को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि वे कमला की मौत के बाद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे किसी से मुलाकात कर सकें। ये पत्र लिखने के बाद नेहरू जी ने भारत लौटने की अपनी यात्रा शुरू कर दी।
और जैसे ही नेहरू जी अपने कमरे में पहुंचे, उनके पास बेनेटो ने अपने एक अधिकारी को भेजा और शाम 6 बजे नेहरू जी के साथ एक बैठक का कार्यक्रम बना दिया। मगर नेहरू जी अपनी बात पर अड़े रहे और बेनेटो को दोबारा एक पत्र लिखकर मुलाकात ना कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया। नेहरू जी ने बेनेटो से कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेहरू जी कायरा बगदाद होते हुए कराची के जरिए वापस अलाहाबाद पहुंच गए और कमला की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। नेहरू जी इस बुक में लिखते हैं कि अपनी जिंदगी के इन्हीं सालों के दौरान वो लगातार इंडिया को समझने की और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू जी ने भारत को कैसे समझा, इस बारे में जानने के लिए आइए सुनते हैं अगला एपिसोड।